Hello, dear students. This is Saket Sir, Faculty of English. Hope you will be fine at your home. As you are watching on the screen, today we will get a brief study about the first chapter, the last lesson of your book, Flamingo. It is your main course book the last lesson it is a very interesting story which has been written by alphonse todet okay first of all we will discuss about the role of different characters in this story one by one and a brief summary then i will teach you the whole chapter line by line in the second video. So let's start character analysis. French. French is a name and it is the name of a boy who has played an important role in this story. So we must. Know about him, his character, how he has played an important role in this story, that you can answer the questions related to his character. So, I have tried to give a brief character here. As you can see, फ्रेंज द नरेटर हिमसेल्फ फ्रेंज जो है यहाँ नैरेटर का ही नाम रहता है जो डॉडेट है नरेटर कौन है एल्फोंस डॉडेट. यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं है ना एल्फोंस डॉडेट जो है वो नरेटर हैं और उन्हीं का जो नाम रहता है वो फ्रेंज रहता है तो वो खुद हैं उनका रोल क्या रहा है इस स्टोरी में ये हम लोग देख लेते हैं फ्रेंज इज अंग स्कूल बॉय इन द फ्रेंच रीजन ऑफ एल्सेक लॉरेन फ्रेंच जो रहता है वो एक यंग स्कूल बॉय रहता है एक बच्चा रहता है एक लड़का रहता है जो कि एक स्कूल बॉय है इट मीन्स डैट वो स्कूल में पढ़ता है है ना प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट रहता है यू कैन से प्राइमरी क्लास मीन्स वॉट स्टैंडर्ड वन टू फिफ्थ और कहाँ रहता है न फ्रेंच रीजन ऑफ एल्से क्लोरिन एल्से क्लोरिन जो है फ्रांस में एक जगह है जगह का नाम है फ्रेंच रीजन में पड़ता है तो वहाँ पर वो रहता है और फ्रेंच जो वर्ड है ये एक लैंग्वेज है फ्रांस में जो फ्रेंच जो लोग बोलते हैं वो एक लैंग्वेज है और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल देखते हैं तो क्या है ना कि ही इज अ डॉडलर एक्चुअली यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ सो यूल हैव टू यूज़ स्मार्ट वर्ड इन योर समरी डॉलर इज अ वेरी स्मार्ट वर्ड डॉडलर मीन्स लेजी होता है आलसी जिसको आप कहते हैं आप अपने नोटबुक में बाद में इसको नोट भी कर लेंगे इस तरह के वर्ड्स को तो ही जो डॉडलर वेन इट कम्स तो वो जो लड़का रहता है फ्रेंड जो रहता है वो एक आलसी रहता है आलसी लड़का रहता है वेन इट कम्स टू स्कूल वर्क आलसी क्यों कहा गया उसको कि जब भी उसे कोई स्कूल से रिलेटेड काम करना होता है या स्कूल जाना होता है तो वो क्या करता है कि प्रीफरिंग टू स्पेंड टाइम इन द वुड्स वो समय बिताना शुरू करता है कहाँ पर इन द वुड्स देखिए वुड्स यहाँ लिखा हुआ है वुड्स मीन्स होता है जंगल है ना गार्डन वो गार्डन में बगीचा में जंगल में जाकर के अपना समय बिताना पसंद करता है इट मीन्स वो स्कूल की निकलता तो है स्कूल के लिए बट ही डज नॉट गो टू स्कूल वो स्कूल नहीं जाता है ही स्पेंड्स हिज टाइम इन द वुड्स और बाई लोकल रिवर ओभर गोइंग टू क्लास क्लास जाने के वक्त क्या करता है वो जो लोकल रिवर हैं जो नदियाँ हैं उनके किनारों पर जाकर के अपना टाइम स्पेंड करता है या गार्डन में पार्क में जाकर अपना टाइम स्पेंड करता है बट स्कूल नहीं जाता है तो इसलिए उससे डॉडलर कहा गया है ही डज नॉट लाइक लर्निंग हिज फ्रेंच ग्रामर लेशन और उसे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो क्या है ना कि ही डज नॉट लाइक लर्निंग हिज फ्रेंच ग्रामर लेशन वो अपना जो फ्रेंच ग्रामर लेशन है जैसे हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं और वहाँ से इंग्लिश के लैंग्वेज को हम क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज को वो एब्जॉर्ब करना जो है ना कि उसके लिए बहुत मुश्किल काम है है ना वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता है तो इस तरह का करेक्टर फ्रेंच का रहता है है ना और आई वुड लाइक टू टेल यू द डिटेल्स ऑफ द टाइटल द लास्ट लेसन व्हाट इट मीन बाय द लास्ट लेसन का मतलब क्या होता है लास्ट लेसन का मतलब यहाँ पर यह है कि एक क्लासरूम से इस स्टोरी के पूरी स्टोरी का जो रिलेशन एक क्लासरूम से है एक क्लासरूम में एक लेक्चर होता है और वो जो लेक्चर होता है ना एक टीचर के द्वारा वो लास्ट लेक्चर होता है लेकिन वो जो लास्ट लेक्चर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है फ्रेंड्स के लोगों के लिए इसलिए इस चैप्टर को जो नाम है वो द लास्ट लेसन रखा गया है उसको भी हम लोग आगे थोड़ा सा अभी बढ़ेंगे तो इट विल बी क्लियर वो जो होगा क्लियर हो जाएगा तो फ्रेंच के अबाउट आप जान गए कि फ्रेंच एक मेन कैरेक्टर है इसमें उसका जो रोल है किस तरह का वो लड़का रहता है किस चीज़ से उसे नफरत है कैसा लड़का रहता है है ना कहाँ से वो बिलोंग करता है दीज ऑल थिंग्स वी गॉट ये सारी चीज़ें हम लोग जान गए द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ एम हैमल एज यू आर वॉचिंग हियर। एम हैमल हु इज एम हैमल एम हैमल द स्कूल मास्टर ऑफ ए स्मॉल विलेज एम हैमल जो होते हैं ना वो उसी गांव में जहाँ रहता है फ्रेंच उसी के उसके स्कूल के ये एक टीचर रहते हैं स्कूल के ये टीचर रहते हैं है ना स्मॉल विलेज इन द फ्रेंच रीजन ऑफ एल्सिक लॉरिंग जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सेम जगह का नाम है वहीं पर एक गाँव रहता है छोटा सा वहाँ पर एक स्कूल रहता है उस स्कूल में एम एम जो होते हैं वो टीचर होते हैं है ना ही हैज़ बिन टीचिंग एट द स्कूल फॉर फोर्टी ईयर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस स्कूल में लगभग चालीस साल से है ना कि वो पढ़ा रहे थे फोर्टी ईयर्स उस स्कूल में पढ़ा रहे थे इन हीज क्लासरूम ही और उनका जो एक आइडेंटिफिकेशन था क्या था कि इन हीज क्लासरूम ही कैरीज अ रूलर विच ही रैप्स अगेंस्ट हिज टेबल थ्रीटिंगली वो क्या करते थे कि अपने क्लासरूम में जब भी पढ़ाते थे वो अपने हाथ में एक रूलर यानी एक छड़ी जो है कि लेकर के घूमते रहते थे और उसको वो क्या करते थे विच ही रैप्स उसको वो पटकते रहते थे कहाँ पर जो टेबल क्लासरूम में रहता था उसके ऊपर उसको क्या करते थे हमेशा जो है ना कि पटकते रहते थे और उसे थ्रिटिंगली थ्रिटिंगली का मतलब होता है लोगों को थ्रीट करने के लिए जो बच्चे हैं उनको डराने के लिए धमकाने के लिए ताकि बच्चे डरें उससे तो उससे जो है कि उसको वो थ्रीट करते रहते इनका ये एक ऐसा करेक्टर है और इनके बारे में अगर थोड़ा सा मोर मतलब जाने हम देन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि एम हैमल नॉट ओनली रिवील्स इज इम्पैथी एंड काइंडनेस ये बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था इनके साथ बट ऑल्सो हिज डिग्निटी एंड पैट्रियोटिज्म ये बहुत ही देशभक्त आदमी थे है ना तो ये इनके साथ बहुत ही अच्छी चीज़ थी एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग दियर लैंग्वेज एंड कल्चर एंड ही wants ये चाहते ये है ही वान्टटेड ये ये चाहते थे कि जो गांव के जो लोग हैं ऑल द विलेजर्स ये समझ सकें कि उन्हें अपना जो खुद का जो लैंग्वेज है ख़ुद का जो कल्चर है कंट्री को उसको बचाना कितना ज़रूरी है उसकी इम्पोर्टेंस को समझना कितना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ये लगभग फोर्टी इयर्स में इनका यही एक्सपीरियंस रहा था कि वो अपने मदर टंग पे अपने लोकल लैंग्वेज पे जो फ्रेंच लैंग्वेज है उस पर कम फोकस करते थे जैसा कि इसमें जो आपका इसके पहले हम लोग करेक्टर फ्रेंच के बारे में पढ़े हैं तो फ्रेंच के बारे में आप क्या पढ़े हैं दिया है कि ही डज नॉट लाइक लर्निंग हिज फ्रेंच ग्रामर लेसन तो ठीक इसी की तरह बाकी भी लोग थे और फ्रेंच भी जो था वो पसंद नहीं करता था लेकिन ये चाहते थे कि सारे लोग उस चीज़ों को सीखें तो ये था आपका एम हेम का करेक्टर अब आइए ब्रीफ समरी हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का कि क्या है लिसन केयरफुली द लास्ट लेसन इज बाय द ऑथर एल्फोंस डॉडेट ऑथर का नाम है एल्फोंस डॉडेट इन्होंने इस लास्ट लेसन चैप्टर को ये स्टोरी को लिखा है इन द लास्ट लेसन समरी द ऑथर नैडेट्स इवेंट अबाउट द ईयर 1870। ये सब डेट्स जो हैं कि आपको याद रखने होंगे है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे या फिर अब जब समरी लिखने लिखोगे या कोई क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं है ना वो अगर आपके माइंड में रहते हैं देन यू कैन एक्सप्लेन द आंसर वेरी वेल आप आंसर को बहुत अच्छे से किसी भी आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे अभी क्या है ना कि आप फ्रेंच के अबाउट जान गए एम हैमल के अबाउट जान गए तो कुछ चीज़ें जान गए तो इफ़ यूल हैव मटेरियल देन यू कैन राइट द आंसर आपके पास अगर मटेरियल्स होंगे है ना चैप्टर से जुड़े हुए तो आप किसी भी इंटरनल क्वेश्चन के आंसर को यू कैन राइट इजली आप आसानी से उसको लिख सकते हैं इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से तो ऐसा है ना कि ये जो स्टोरी है ये कब लिखा गया है अबाउट द ईयर एटीन सेवेंटी के टाइम का ये स्टोरी है व्हेन फ्रांस वाज कैप्चर्ड बाय बिस्मार्क बिस्मार्क आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में है ना एक डेनेसटी का नाम है तो उसके द्वारा क्या किया जा रहा था कि फ़्रांस के ऊपर कैप्चर किया जा रहा था यानी उसको अपने ये लोग अपने अंडर में ले रहे थे है ना लेड परसियंस फोर्सेज और कौन से फोर्स का यूज किया जा रहा था पर्सियन फोर्स जो है कि इसको अपने कब्जे में जो है ना कि फ्रांस को ले रहे थे फर्दर मोर द लॉरेन एंड डिस्ट्रिक्ट वेंट अंडर परसियन रूल और सबसे पहले जो है पूरे फ्रांस में जहाँ पर फ्रेंच और एम हैमल थे जगह का नाम क्या था उस डिस्ट्रिक्ट का नाम जो था वो लॉरेन एंड एलेसिक डिस्ट्रिक्ट ये सबसे पहले पर्सियन जो रूलर्स थे उनके अंडर में ये चला गया वहां पर ये लोग रूल्ड करना जो है ना कि शुरू कर दिए थे ओके नाउ वाज द डिसकॉन्टिन्यूएसन ऑफ टीचिंग फ्रेंच इन दिस टू डिस्ट्रिक्ट और ये लोग जैसे ही वहाँ रूल करना शुरू किए ये क्या किए ना कि वहाँ पर फ्रेंच पढ़ाना जो है कि बंद करवा दिए वो दोनों डिस्ट्रिक्ट में डिसकटिन्यूएसन ऑफ टीचिंग यानी फ्रेंच पढ़ाना जो हो गया वहाँ बंद हो गया जो कंटिन्यू लोगों को पढ़ाया जा रहा था फ्रेंच लैंग्वेज को बंद कर दिया गया पढ़ाना देर वॉज एन ऑर्डर फॉर द फ्रेंच टीचर्स टू लिव और एक टीचर वहाँ पर एक ऑर्डर भी जारी हो गया कि जो भी फ्रेंच टीचर्स हैं फ्रेंच लैंग्वेज के जो भी टीचर्स हैं वो क्या करें कि उस जगह को छोड़ के चले जाएँ कंसिक्वेंटली एम हैमल वॉज़ नॉट एबल टू स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल और इसी वजह से अब एम हैमल भी जो हैं कि उस स्कूल में अब नहीं रह पाते हैं वो वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक पाते हैं क्योंकि ये ऑर्डर आ गया था उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जाने का उन टीचर्स के लिए जो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया करते थे क्योंकि आपको यहाँ पर यह बताने का कोशिश किया गया है कि अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं तो उसका जो लैंग्वेज होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो दूसरा कंट्री होता है अगर वो आपके कंट्री के ऊपर रूल करता है तो सबसे पहले वो ये चाहता है कि आप उसके कंट्री के लैंग्वेज को सीखना शुरू करें ताकि वो धीरे धीरे जो है ना कि अपने रूलिंग पावर को इनक्रीज कर सके उस कंट्री में है ना तो इसलिए जो है कि फ्रेंच जो टीचर्स थे उनको वहाँ से छोड़ने के लिए कहा गया इन स्पाइट ऑफ दिस इन सब के बावजूद द लास्ट लेसन फ्रॉम हिम वाज फुल ऑफ डिवोसन एंड सेंसेरिटी इन सब के बावजूद उन्होंने क्या क्या किया डिसाइड किया एम हैमल ने कि मैं जो हूँ है ना द लास्ट लेसन फ्राम हिम हिम का मतलब एम हेमल यहाँ पर है हिम मिन्स एम हैमल उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक लास्ट लेसन एक बार तो लास्ट लेसन जो है कि फ्रेंच के अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच जो लैंग्वेज है या जो अपना लोकल लैंग्वेज होता है उसके अबाउट मैं लोगों को जरूर पढ़ाऊँगा ये डिवोसन एंड सेंसेरिटी के साथ पूरा है ना वन स्टूडेंट ऑफ एम हैमल वॉज अफ्रेयड ऑफ हिम और एक उनका स्टूडेंट था एम का जो कि उनसे बहुत ज़्यादा डरता था स्कूल टाइम में एंड हु आज दैट स्टूडेंट वो स्टूडेंट कौन था है ना दो वन स्टूडेंट यहाँ पर आया है कि वो कौन था वन स्टूडेंट यही था फ्रेंच फ्रेंच के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है देर वाज एन एंटीसिपेशन ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम दिस स्टूडेंट व्हेन ही केम टू स्कूल दैट डे और उस स्टूडेंट को एक एंटिसिपेशन एक संभावना रहती है जब वो लास्ट लेसन जिस दिन रहता है लास्ट डे होता है एम हैमल का कि शायद आज मुझे पनिशमेंट जरूर मिलेगा एम हैमल के द्वारा ये उसे एक डर रहता है अपने मन में है ना व्हेन ही केम टू स्कूल दैट डे हाउ एवर ही लर्नड दैट दिस विल बी हिज लास्ट लेसन और लेकिन जब वो क्लास अटेंड किया या जब वो स्कूल गया तो उसे पता चला कि नहीं ये तो मेरा लास्ट लेसन है आज का एम का ये लास्ट लेक्चर ये लास्ट क्लास है और इस चीज़ को लेकर के उसे बहुत रिग्रेट होता है कि उसने जो है कि इनिशियल डेज में शुरुआती दिनों में उसने क्या किया कि फ्रेंच को सीखने से नफरत किया और उसे वो पसंद नहीं करता था एंड आज एक ऐसा दिन आ गया कि क्या है ना कि लास्ट लेसन ही और इसके बाद कोई फ्रेंच नहीं पढ़ पाएगा सुन ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट और तभी जैसे ही उसको पता चला कि ये लास्ट लेक्चर है फ्रेंच का लास्ट लेसन है तो फ्रेंच को ये फील होता है क्या ये रियलाइज हो जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट का उसको इम्पोर्टेंस पता चल जाता है जिसे वो अपने प्रीवियस डेज में अर्ली डेज में है ना इनिशियल डेज में क्या करता था इग्नोर करता था स्कूल क्लास को मिस करता था उड्स यानी गार्डन में जा कर के घूमता था लोकल रिवर के साइड में जा कर के बैठता था वहाँ स्पेंड करता था अपना टाइम और लैंग्वेज को सीखना पसंद नहीं करता था दिस स्टोरी शो जस तो ओवरऑल ये स्टोरी दिखाता क्या है ना कि दिस स्टोरी शो जस हाउ पीपल फील वेन दे डोंट लर्न दियर लैंग्वेज कि लोग कैसा फील करते हैं जब वो अपना ही लैंग्वेज सीख नहीं पाते हैं तो फील क्या करना है सिंपल सी बात है इफ़ यू डोंट नो योर नेटिव लैंग्वेज देन यू विल नॉट फील कम्फर्ट टू कम्युनिकेट टू ईच अदर ये सारी चीज़ें हैं तो अपना जो लैंग्वेज है अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए भी सीखना जरूरी है तो एक ब्रीफ समरी है इस चैप्टर का तो इतना अगर मैं बता दिया तो आई होप कि इससे आप क्या कर सकते हैं ना कि जब चैप्टर आप अगर पढ़ेंगे अब तो हो सकता है कि टोटल चैप्टर आप एक बार अगर घर पे बैठ के पढ़ लेते हैं रीडिंग दे लेते हैं ना स्टोरी को तो ओवरऑल अब आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी आप इजीली समझ जाएंगे कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है थोड़ा सा ये लास्ट कंक्लूजन में एक छोटा सा रखा हूँ उसको मैं दिखा देता हूँ कंक्लूजन ये है इस स्टोरी का ये आपके स्टोरी का कंक्लू कंक्लूजन है है ना कंक्लूजन है ये क्या कंक्लूजन है द स्टोरी डिपिक्ट पैथोस ऑफ द होल सिचुएशन अबाउट हाउ पीपल फील वेन दे डोंट लर्न दियर ओन लैंग्वेज यानी इस कहानी में लास्ट में यही दिखाया जा रहा है कि लोग कैसा महसूस करते हैं जब वो अपने लैंग्वेज को नहीं सीख पाते हैं इटेल्स अस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वंस लैंग्वेज इन वंस लाइफ किसी के जीवन में आपकी खुद के लैंग्वेज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इस चीज़ को बताया गया है फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अरेस आज का जो रेस है उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू सेफ गार्ड इट और ये आपके लिए सेफ गार्ड का काम करता है अगर आप लैंग्वेज को अपने नेटिव लैंग्वेज को जानते हैं तो इसे पता चलता है कि यू हैव वेरी वेल नॉन यू आर द पर्सन और वेरी वेल नॉन अबाउट दियर कल्चर एंड सिविलाइजेशन दिज ऑल थिंग्स तो ये था आपका द लास्ट लेसन चैप्टर का ओवरऑल एक ब्रीफ समरी मैंने दिया है जिसमें कैरेक्टर एम हैमल जो मेन है उनके बारे में कुछ आप जान गए फ्रेंच के अबाउट जान गए है ना और एक समरी था तो आप इफ़ यू वांट यू कैन नोट द करेक्टर ऑफ फ्रेंच इन योर नोटबुक ये आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा और नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप फ्रेंच के अबाउट नोट कर लेंगे एम हैमल के अबाउट नोट कर लेंगे ये जो छोटा सा समरी है इसको नोट कर लीजिएगा तो ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आपका एग्ज़ाम का टाइम आएगा आप इतना भी पढ़ लोगे तो बहुत ये इनफ है है ना और ये जो है कि कंक्लूजन आप देख लेंगे तो चलिए थैंक यू और फिर हम लोग जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आई विल टीच यू लाइन बाई लाइन एक एक लाइन जो है मैं आई विल टीच यू ऑफ दिस चैप्टर इस चैप्टर का मैं लाइन बाई लाइन आपको पढ़ाऊँगा एंड द टफ़ वर्ड्स मीनिंग जो भी इसके वर्ड्स मीनिंग है उसको मैं क्लियर करा दूंगा एंड आई होप यू विल गेट दिस चैप्टर वेरी वेल Thank you. Enjoy the day and follow the lockdown at your home. Bye bye.